असतो मा सद्गमया, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में यह प्रार्थना होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है कि यह प्रार्थना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा तो नहीं दे रही। कुछ समय पहले ये याचिका दायर की गई थी। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत शरण ने इसे गंभीर संवैधानिक संकट माना। जनवरी 2019 में उन्होंने इस याचिका को 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। जस्टिस नरीमन को समस्या ये थी कि असतो मा सद्गमया उपनिषद से लिया गया है। सरकारी वकील तुषार मेहता ने समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के लोगों पर भी संस्कृत में लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः, जो कि महाभारत से लिया गया है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक है? इस तर्क का जज साहब पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखने योग्य रहा। न्यायालय ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए जुर्माना भी ठोक दिया। आज विश्व भर में कुरान की इन आयतों को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ देशों में इन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ये वो आयतें हैं जिनमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। अब आप पूछेंगे कि असतो मा सद्गमया और कुरान की आयतों को लेकर इन दोनों याचिकाओं में क्या समानता है। वास्तव में दोनों की सुनवाई करने वाले जज का नाम है आर एफ नरीमन। जज साहब बहुत विद्वान हैं। हम उनकी समझदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहते, लेकिन यह हमारी समझ से परे है कि असत्य से सत्य की ओर ले चलने के लिए कहना विवादित है, तो काफिरों की हत्या का आदेश देना ठीक क्यों है? प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है कि देश की अदालतें आए दिन हिंदू त्योहारों और परंपराओं को लेकर विचित्र आदेश देती रहती हैं। कभी बिना वैज्ञानिक आधार के दिवाली के पटाखों पर रोक लगा देते हैं, कभी जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कभी दही हांडी का पर्व जज साहब की आंख में खटकने लगता है। सबरीमला मंदिर को लेकर इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था, उसका कोई संवैधानिक आधार तक नहीं था। भारत हिंदुओं का देश है। हमारे संविधान की आत्मा सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। यह बात हमारे नेताओं, अफसरों और जजों को कब समझ में आएगी? सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोधी तमाशा कब तक चलेगा?